बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ जिला इकाई भागलपुर के दर्जनों शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन लोगों ने कहा कि 2011 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिला है, इसको लेकर हम लोग आज जिलाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। वहीं आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 715 वित्त रहित विद्यालय हैं, जिसे सरकार छात्र पासिंग पर अनुदान देती है। नवार से 3-4 एजेंसी से इसकी जाँच कराई गयी, उसके बाद अनुदान का भुगतान हुआ था और अब फिर से जाँच की प्रक्रिया की जाएगी, फिर अनुदान की राशि दी जाएगी, यह कहीं से सही नहीं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि के पाठक जब से आए हैं वह अपना ही राग अलाप रहे हैं, उन्हें कुछ जानकारी है ही नहीं, सिर्फ के पाठक के माथे पर नीतीश का हाथ है, इसलिए वह जो मनमानी करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। जबकि विद्यालय में किसी तरह की मूलभूत सुविधा नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 715 जो है वित्त रहित स्कूल है, जिसको सरकार छात्र पासिंग पर अनुदान देती है। नवाब वार्ड से 3-4 एजेंसी से जो है जांच कराया गया, उसके बाद अनुदान जो है भुगतान किया गया, उसके बाद सबको अनुदान भुगतान होने लगा। अब जो है यह फिर जो है कहता है कि जांच करेंगे, तो पहले हमारा भुगतान करो उसके बाद तुम जांच करो। पहले हैं हम लोगों का भुगतान करो, उसके बाद जांच तो चलते रहेगा। जांच करिए करके ना अनुदानित के श्रेणी में विद्यालय को लाया गया। भागलपुर में 2003-2005 के बीच व 2006 में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्रों पर गाज गिर सकती है। दरअसल जिले के रंगरा प्रखंड में उक्त वर्षों में बहाल हुए शिक्षा मित्र, जिन्हें बाद में पंचायत शिक्षक नियोजित किया गया, वो अब अवैध हैं। पूर्व में डीओ ने प्रखंडों में यह आदेश जारी किया था कि 2003 एवं वर्ष 2005 का पंचायत शिक्षा मित्र तथा वर्ष 2006 के प्रथम चरण पंचायत शिक्षा के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त वर्ष के शिक्षा मित्र व पंचायत शिक्षकों का नियोजन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है। डीओ ने कहा कि उक्त वर्षों में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्र व पंचायत शिक्षक व फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि मदरौनी पंचायत के पूर्व मुखिया ने वहां लाखों रुपए लेकर बहाली की थी। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि उक्त वर्षों में जो पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई, ऐसे सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवैध हैं। मैंने मुखिया से कहा है कि नियोजन इकाई के अध्यक्ष वही हैं, वो अधिकृत हैं कि प्रमाण पत्र रद्द कर सकते हैं, वह चिन्हित करके दे, उनका अनुमोदन हम करेंगे। जिस भी प्रखंड में ऐसे उक्त वर्षों में शिक्षा मित्र की बहाली हुई है, उनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं। जहां भी ऐसा मामला सामने आता है, मुखिया और पंचायत सचिव कार्रवाई कर सकते हैं। डीओ साहब से मिलने के लिए आए हुए थे हम। पिछले महीने ही हमने डीओ साहब से एक सूचना मांगा था, जिस सूचना में ये मांगा था कि 2003, 2005 और 2006 में हमारे यहाँ कितने टीचर बहाल हुए थे और उन टीचरों का जो है कि मतलब रोस्टर के अकॉर्डिंग बहाली हुई है कि नहीं हुई है, इसकी हमें जानकारी दी जाए। तो डीओ साहब के द्वारा हमें आवेदन का रिप्लाई दिया गया, उसमें बोला गया कि 2003, 2005 और 2006 में जितने भी टीचर बहाल हुए हैं आपके यहाँ, वो टोटल ही फर्जी है। मदरौनी पंचायत के मुखिया जो वर्तमान में है, उनके द्वारा यह आप बताया गया कि जो पंचायत शिक्षा मित्र थे, जिनकी बहाली 3 और 5 में हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से पंचायत शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई और वो वर्तमान में कार्यरत हैं, वैसे कुछ शिक्षकों की जो प्रमाण पत्र हैं वो वैध नहीं है, अवैध है। मैंने मुखिया जी को ऐसे कि स्पष्ट किया कि आप चिन्हित कर लें, और चूंकि आप ऐसे कि इन कमेटी नियोजन इकाई की कमेटी को ही कार्रवाई करनी है, वही प्राधिकृत ऐसे के प्राधिकार हैं, अतः आप कार्रवाई करके मुझे ऐसे सूचित कर दें, मेरे द्वारा उनको अनुमोदन कर दिया जाएगा। अमर शहीद रामफल मंडल शहादत दिवस सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन को लेकर आज भागलपुर के निजी विवाह भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल ने किया। बलराम मंडल ने कहा कि हमारे पार्टी का सम्मेलन 10 अगस्त को भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य धानुक समाज के उत्थान को लेकर चर्चा करना है।
जिसमें हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। इस बैठक में प्रदीप कुमार मंडल, ओम प्रकाश मंडल, विनोद कुमार मंडल, बिंदेश्वरी मंडल, रमेश भारती सहित कई धानुक मंडल जाति के लोग शामिल थे। भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर तले बैठे पूरे धानुक परिवार के लोग, खास करके भागलपुर, बांका और मुंगेर के जितना हमारे पदाधिकारी गण हैं, आज हम लोग बैठ के अमर शहीद रामफल मंडल जो धानुक समाज से आते थे उनका शहादत के दिवस जो है हम लोग भागलपुर में मनाने जा रहे हैं, और इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने बैठक रखा है। उनका शहादत यही भागलपुर देवी बाबू का धर्मशाला है स्टेशन रोड में, उसी में 23 अगस्त को हम लोग कार्यक्रम करेंगे। पूरे स्टेट लेवल पर व्यापक कार्यक्रम होगा जिसमें प्रमुख रूप से धानुक समाज के लोगों का जमावड़ा इस बैठक में होगा। कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति होगी, माननीय मंत्री से लेकर माननीय विधायक और माननीय जो है सांसद लोगों की भी उपस्थिति इस बैठक में होगी। 23 अगस्त को भागलपुर में देवी बाबू धर्मशाला में धूमधाम से मनाने के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और साथ सर उनके साथ में धानुक जागरूकता सम्मेलन हुई है, इसमें पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, हर जिला से आएंगे। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में भागलपुर जिला मुखिया संघ के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष वहां पहुंचे और उन्होंने अपना बहुमूल्य मतदान किया और सर्वसम्मति से नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष सोनी देवी को जिला अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया। इसके साथ जिला संयोजक गोराडी के प्रखंड अध्यक्ष उमा शंकर का भी चयन किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शहर चुनाव प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोगों का यह चुनाव विगत 2 सालों से नई कमेटी का गठन के रूप में नहीं हुआ था, जिसे आज अध्यक्ष पद के लिए किया गया, जिसमें सभी जिला प्रखंड अध्यक्ष पहुंचकर नए जिला अध्यक्ष और नए प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 22 अगस्त को सभी प्रखंडों में और 28 अगस्त को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना और जनता की सेवा करना है। जिला प्रखंड अध्यक्ष अभी बनी हूँ, आप सभी प्रखंड अध्यक्षों का मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसा अभी इन्होंने बताया, जो आपको मालूम है ये जो कार्य बचे हुए हैं उस कार्य को करना ही है। भागलपुर में पिछले 2 सालों से नई कमेटी का गठन नहीं हुआ था, जिसमें आज भागलपुर जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष जी लोग आए, जिसमें सर्वसम्मति से नवगछिया प्रखंड अध्यक्षा और हमारी भाभी सोनी देवी का सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के लिए चयन किया गया। इसके साथ ही साथ जिला संयोजक के पद पर गोराडी के प्रखंड अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उमा शंकर रजक जी का मनोनयन हुआ। इसके साथ साथ हम लोग नई कमेटी का गठन करेंगे और प्रदेश के लिए भी सर्वसम्मति से नाम तय करेंगे। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कलयुगी पुत्र के द्वारा अपने ही पिता के गला में चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया है, जहां सबौर भिट्टी के रहने वाले धनंजय मंडल के इकलौते पुत्र ने अपने ही सगे पिता को गले में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल धनंजय मंडल एग्रीकल्चर कॉलेज में पंप ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति होने पर मिले पैसे मांगने को लेकर घायल के इकलौते पुत्र राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने एग्रीकल्चर कॉलेज के सरकारी क्वार्टर पहुंचकर पहले रस्सी से गला घोटने का प्रयास किया, उसके बाद उसने धारदार चाकू लेकर गले पर चला दिया। वहीं शोर शराबा सुनकर पहुंचे कॉलेज कर्मियों ने उसे आनंद फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची सबौर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले पर घायल धनंजय मंडल ने बताया कि मेरे इकलौते पुत्र ने एग्रीकल्चर कॉलेज स्थित सरकारी क्वार्टर में पहुंचकर जान मारने की नियत से चाकू से गले पर वार किया, जिससे मैं जख्मी हो गया। वह पैसे की मांग कर रहा था। हमको जानकारी यही मिला कि पैसा के चलते हुआ आया था, इस कारण से उसको मारने का। क्या नाम हुआ बाबूजी का? श्री धनंजय मंडल। पहले रस्सी से किया, उसके बाद चाकू से। क्या लगता है आपको जान मारने की नियत से ऐसा किया है? हमको तो लगता है कि जाने मारने के ऐसे किया है, का है तो वो रस्सी से पहले फंसा है, उसके बाद चाकू से मारा है। नवगछिया में गंगा नदी विकराल रूप ले लिया है। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर के सिमरिया से NH 31 को जाने वाली सड़क आजमाबाद के पास बाढ़ के पानी के दबाव के कारण कट गई, जिससे 22 गांवों का संपर्क बाधित हो गया। वहीं लोगों ने नाव को ही आवागमन का जुगाड़ बनाया है। सड़क कट जाने के कारण क्षेत्र के सिमरिया, पकड़ा, भीमदास टोला, आजमाबाद, शेरमारी,
चापर दियारा सहित 22 गांवों के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि करीब 30 फीट चौड़े कटान स्थल पर नाव के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। इस सड़क का निर्माण 7 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कराया गया था। अब NH 31 जाने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर ज्यादा घूमकर जाना होता है। सड़क कटने के बाद खेतों में 5000 एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। नवगछिया SDM उत्तम कुमार ने कहा कि सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ विभाग के अभियंता और अंचलाधिकारी को जानकारी है, स्थानीय तौर पर वहाँ नाव की व्यवस्था की जा रही है। कटाव स्थल के दोनों तरफ अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि लाल झंडा लगा दे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ सड़क में कटाव हुआ है। ये सड़क मुख्य सड़क है सिमरिया चौक से लेकर NH 31 जाने के लिए, PMY का है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत इसमें आज 6-7 साल से ही रोड था, इसमें भमरा का कहीं निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण पानी का दबाव उस तरफ ज़्यादा हो जाता है आ इस तरफ धार पड़ता था, इसलिए इसका पानी का रिसाव होते होते धीरे धीरे ज़मीन के तर से पानी निकासी हुआ और रात में बह गया पानी।